है, ये वेंडिंग एरिया है जहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो है मटेरियल और कैरी। तो मेरा नाम जितेंद्र कौर, आपने देखा होगा कि जितने भी मॉल है, मार्ट है, सभी में जो है ना इंटीरियर बहुत प्यारा बनाया होता है, क्योंकि शॉप के इंटीरियर को एक ही बार डिजाइन किया जाता है और वो दिखने में इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बनाया जाता है ताकि कोई भी कस्टमर जो है उसे अट्रैक्ट हो सके। और डिस्प्ले के डिजाइन होने की वजह से हर सामान पर्टिकुलर एक जगह पे रखा जाता है। और ये करने के लिए प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो किसी कंपनी को हायर करना होगा आपको। वैसे मैं दिल्ली के एक जो है इसी तरीके की कंपनी में हूँ जिनका काम है इंटीरियर डिजाइन करना। चाहे आप किसी भी तरीके का आपका शॉप है, कोई आप मार्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई आप मॉल शुरू करना चाहते हैं, मोबाइल का शॉप शुरू करना चाहते हैं, ग्रोसरी का करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल का करना चाहते हैं, होम अप्लायंसेस का करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरीके के शॉप को जो आपने डिजाइन करवाना है वो सब जो है यहाँ पे संभव है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदर्श उद्योग के डायरेक्टर मिस्टर विवेक जी। हेलो सर, स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक खनेलवाल आदर्श उद्योग से। सर जैसे कि आपने बताया ना कि हमारा काम जो है इंटीरियर डिजाइन करना है, तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दे सकते हैं कि इस लाइन में कितने साल से हैं आप, और मतलब किस किस तरीके का जो है इंटीरियर डिजाइन करते हैं जो अभी तक आपने किया है। मनोज जी के चैनल के थ्रू मैं आप सब लोगों को अपनी कंपनी के बारे में कुछ चीजें अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा रैक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है। रैक्स चाहे वो किसी भी तरीके के हों, चाहे ग्रोसरी शॉप के हों, चाहे टीवी शोरूम हो, चाहे इलेक्ट्रिकल शॉप हो, चाहे मोबाइल शॉप हो, चाहे किसी और तरह की फैंसी आइटम डिजाइनिंग की शॉप हो, उन सब के लिए हम लोग रैक्स प्रोवाइड करते हैं। और करीबन हर महीने 100 स्टोर्स का मटेरियल हम लोग तैयार करते हैं, और ये स्टोर्स हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हमने लगा रखे हैं। और जिनके भी यहाँ पे हम लगाते हैं वो करीबन 10 से 15 साल तक उन स्टोर्स में कोई भी फर्नीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। डिज़ाइन चेंज करना हो या एक्सपेंशन करना हो तभी उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। हमारी कंपनी आदर्श उद्योग जो न्यू दिल्ली में है, ये पिछले 27 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही है। मोर देन 50 वर्कर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं, और एनुअली मंथली हम लोग करीबन 300 से 400 टन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे यहाँ पे हर कंपोनेंट A to Z मींस स्टार्टिंग से लेके कटिंग, बैंडिंग, कोटिंग, इंस्टॉलेशन, ये सारा हमारी ही टीम द्वारा करवाया जाता है। और इसलिए ही हम लोग सही रेटों में अच्छी और उत्तम क्वालिटी की ड्यूरेबल चीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यहाँ ना मैं आपको एक बार ये बुक जो है इनका दिखाना चाहूँगा। देखिए कुछ इस तरीके का जो मार्ट के अंदर का डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन करने का काम होता है, साथ ही में सारे मटेरियल भी इन्हीं के होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का, अगर आपको स्पेशल कोई रैक चाहिए तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। खुद की इनकी फैक्ट्री है जो कि अभी हम विजिट भी करेंगे और देखेंगे भी, और साथ ही में कोई इंटीरियर भी आपको दिखाएंगे जो इस तरीके का जो है वो बनने के बाद दिखता है। जो दिल्ली से नजदीक है वहां तो आप जो है लड़के विजिट करके भेज सकते हैं, लेकिन काफी ऐसे जो शॉपकीपर है जिनका हो सके बिहार में है, हो सके कि वो जो है कोलकाता में है, तो उन लोगों का मतलब कैसे उनका इंटीरियर आप देखेंगे डिजाइन और फिर किस तरीके से तैयार करेंगे? हम दो तरह से काम करते हैं। जैसे कि कोई भाई अपनी अगर मान लो शॉप का डायमेंशन हमको प्रोवाइड कराता है, जैसे मान लो 15x20 की दुकान है उसकी, 15x20 फीट की, और बता देता है कि मेरे को इस तरह से एंट्री चाहिए, और वो सिर्फ हमें एक रफ स्केच बना के दे देता है और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता है, तो हम लोग उसका लेआउट तैयार करके उनको विद एस्टिमेट कॉस्ट के हिसाब से उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो मतलब दिल्ली से बाहर रहते से बाहर हैं, दूर है। हाँ। ठीक है, मतलब पेपर पे बनाना होगा, किस तरीके का थोड़ा सा पेपर पे, जैसे आपका ये 20x30 का कोई शॉप है तो हम लोग उनसे ये डायमेंशंस मांग लेते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आपके कहीं पे पिलर्स आए हुए हैं तो वो आप मेंशन कर दीजिए कहाँ पिलर्स हैं, कहाँ पे आपकी एंट्री है, वो आप मेंशन करके अगर रफ स्केच पे दे देते हैं तो हम उसको एक सॉफ्टवेयर में डाल के पूरा आपको लेआउट प्रोवाइड कर देते हैं विद उसकी कॉस्ट। आप कहते हो कि नहीं ये हमारे से नहीं हो पाएगा, आप विजिट ही कराओ, तो एक नॉमिनल सा विजिट चार्जेस होते हैं, वो हम लोग लेके अपना एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारा इंजीनियर है, वो दिल्ली और हिंदुस्तान के हर कोने में जाके वो भी लेके आ सकता है। थोड़ा बहुत उन्हें डिजाइन भी दिखा देते हैं कि हाँ इस तरीके का जो बना सकते हैं, इस तरीके का बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहेंगे ना सर यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री में थोड़ा सा वर्क हो रहा है वो हम देखेंगे और दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे इंटीरियर देखने। जी चले सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं आदर्श उद्योग कंपनी से बात कर रहा हूँ।
सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे जो डिस्प्ले रूम है यहाँ पे हमने सारे डिस्प्ले में जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारे रैक लगा रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा जो वुडन रैक्स है ये जहाँ अधिकतर कॉस्मेटिक मेडिकल यूज में यूज होते हैं, ये भी आप देखेंगे तो ये भी मैं वुडन रैक है। ये वॉल हैंगिंग है, वॉल में हैंग होता है। ये आप स्टैंड रैक है, ये खड़ा रहता है, ठीक है। आप इधर देख रहे होंगे तो ये MS के हैं, ये सेंटर रैक होता है, इसकी हाइट 5 फिट है। आप इसके बराबर में ये लगा हुआ रैक है, इसकी हाइट 6 फिट है। ये 6x3 फिट का रैक है, ये 5x3 का रैक है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा हाइट का, लेंथ का, जो भी है वो सारा कस्टमाइज होगा। जो भी आप रैक साइज जो भी बनवाना चाहेंगे आप वो बनवा सकते हैं। सर ये जो है आप देख रहे हैं, ये हमारा बैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रैक्स बोलते हैं इसको। ये स्टील स्टेनलेस स्टील में है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे हमने ग्लास और यहाँ पे LED लाइट के लिए बना रखा है। यहाँ पे आप जो ग्लास और LED लाइट लगाएंगे तो आपके जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल रखे होंगे वो आप उसको देख सकते हैं इसमें। सर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप ये कॉर्नर रैक है, ये हमारी बॉल जो 45 एंगल पे है तो इसलिए इसको 45 एंगल की जो हमने इसको बना रखा है, इसको जो रैक है जो हमारा 45 के एंगल पे है। उसके बाद ये वॉल रैक है, ये इसकी हाइट 6 फिट है। इसके बराबर में ये जो रैक लगा हुआ है इसकी हाइट 8 फिट है, जिसमें हमने 6 फिट तक सेल्फ ले रखी है। उसके बाद हमने जो 2 फिट का इसके लिए एडवर्टाइज के लिए ये लगा रखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं आदर्श उद्योग ए कंप्लीट स्टोरेज सॉल्यूशन www.adarshudyog.com, ये हमने जैसे अपना लगा रखा है। ये जो रैक है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये इसकी हाइट 7 फिट होती है, इसमें 6 सेल्फें आती है। पहली सेल्फ जो रहेगी वो आपकी 18 इंची रहेगी, उसके बाद 2 सेल्फें आपकी 15 इंची की आएंगी, उसके बाद आपकी 3 सेल्फ जो होंगी 12 इंची की होंगी। ये आपने देखा होगा एक सेफ के तरह से बनकर रैक तैयार होता है। ऊपर की जैसे ऊपर की जो डेप्थ है इसकी कम रहेगी, उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, आगे आके आपकी 18 इंची इसकी गहराई हो जाती है। जो भी रैक ये कॉर्नर रैक्स बोलते हैं इसको, ये 90 डिग्री एंगल पे आपको ये बना के दिया हुआ है। ये हमारा 6 फिट हाइट में है। इसमें जैसे हमने ये सारा वायर वाली रैक लगा रखी है बैकसीट, इसमें आप जो अगर इसको पीछे अगर आपका कोई डिस्प्ले सामान रखा है, आप उसको दिखाना है देखना हो, आपके टाइल्स लगे हो उसको, तो आप इस तरह के भी रैक बनवा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये वास्केट है, इसको वास्केट ट्रॉली बोलते हैं। ये आप जैसे आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में कहीं भी अगर सामान आपको यहाँ से वहाँ ले जाना हो या कुछ भी हो उसमें आप यूज करते हैं। ये देखिए सर इसमें व्हील लगे होते हैं, इसको आप एक दूसरे इसमें सामान रख के आप इसको इस तरह से चला सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा, इसको प्लेटफॉर्म ट्रॉली बोलते हैं। ये हमने लाइट वेट के लिए होती है, इसमें 200 से 300 केजी आप वेट रख सकते हैं और इससे हैवी भी हम बनाते हैं। एक जैसे आप देख रहे होंगे ये स्टैंड है, इसमें आप कोई भी एडवर्टाइज के लिए आप अपना इसमें लोगो लगा सकते हैं। तो ये सेंटर रैक है, आपने देखा होगा ये दोनों तरफ इसकी सेल्फ लगी हुई है। आप उस तरफ अभी दिखा रहा था मैं, अब इस तरफ आ गए हैं तो ये हमने बेट के लिए लगा रखा है। एक इसमें एक पैकेट में हमने 5 किलो बेट रखा है। अगर आपको बेट कैपेसिटी चेक करना है तो इसके लिए हमने ये यहाँ पे ये भी लगा रखा है, पर सेल्फ आप 50 से 60 kg बेट रख सकते हैं। ये जो है परफोरेटेड रैक्स है, इसमें सारे हैंगिंग आइटम्स के लिए जो यूज करे जाते हैं। ये जो हुक लग रहे हैं इनकी साइज सारे सब अलग अकॉर्डिंग से साइज बनते हैं, जैसे आपको 6 इंची चाहिए, 8 इंची चाहिए, 12 इंची चाहिए। गिलास रैक बनाया है, इसमें आपने देखा होगा जैसे मेडिकल में इसमें दवाइयाँ आपकी सेफ रहेंगी, आपको इस तरह से ये भी बनवा सकते हैं। डिस्प्ले एसेसरीज देख रहे हैं, ये सारी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, ये हमने सारे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। आप देखेंगे तो इसको क्लोथ काउंटर बोलते हैं, इसमें ग्लास सेल्फ ग्लास रखा जाता है। ये आपने जो ब्रैकेट रखे हैं इन पे भी ग्लास रखा जाएगा। इस पे आपने जैसे जींस या जो भी आप उसके गड्डी रखते हैं वो आपने देखा होगा। ये जो आप देख रहे हैं इधर वॉल में ये वास्केट लगा रखी है, जिस तरह का आपका स्टोर रहेगा, जिस तरह का आपका स्टोर ओपन होगा उसी कलर में हम आपको वास्केट वो कराते हैं। ये शूज रखने के लिए जो रैक बना हुआ है प्ले, ये इसको 65 लीटर ट्रॉली बोलते हैं। ये इस पर आप जैसे आपको बेबी बिठाना हो और सामान भी रखना हो, आपने मॉल में शॉपिंग मॉल में देखा होगा उसमें इस तरह से इसका यूज होता है। कैश काउंटर है, ये 5x4 फिट का कैश काउंटर बनाया हुआ है। इसमें ये आपने देखा होगा ये पहले कीबोर्ड बनाया है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉर है, ये मैनुअल ड्रॉर है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये कंप्यूटर से अटैच होती है। इस पर अगर आपको जैसे कंप्यूटर से अटैच करना हो वो भी हो सकता है, मैनुअल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जस्ट फैक्ट्री के जो है बाहर का व्यू है, यहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल दिख रहा होगा कि रखे गए हैं, और ये जो है हमें अंदर मशीनें दिख जाती हैं। दोस्तों ये फैक्ट्री के अंदर का व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेस मशीन पे वर्क चल रहे हैं।
और इसे मैं ज़्यादा यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे साउंड का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मशीन आप देख रहे हैं, ये कटिंग मशीन है जो है, हमें प्रेस मशीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेस मशीन से जो है प्रेस करके इसे अपने साइज में मोल्ड किया जा रहा है। मोल्ड होने के बाद जो है कुछ इस तरफ जो है स्टॉक रखा जाता है। ये ना इनका स्टॉक रूम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक रखे गए हैं। इस तरीके का अगर आपका फ्लोर बनाने का रिक्वायरमेंट हो तो भी आप जो है यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जो कि कंपनियों के लिए ये लोग बनाने का काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटर तैयार किया जा रहा है और भी यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारा स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये एरिया जो है ये वेल्डिंग एरिया है जहाँ पे वेल्डिंग का वर्क किया जाता है, और अगर हम इससे बढ़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे तो हमें दूसरे जो है डिपार्टमेंट में लेके चला जाता है। ये जो है पेंटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो है पेंट करके कुछ इस तरीके से रखा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अंत में जो है हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम आपको जो है एक इंटीरियर का जो है व्यू दे पाए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंटीरियर का डिज़ाइन किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। हालांकि ये जो है एक ग्रोसरी स्टोर है और इनके पास जो ज़्यादातर ऑर्डर आता है वो ग्रोसरी स्टोर के लिए आता है। हालांकि मार्केट में भी जो है ग्रोसरी स्टोर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कि 90% जो है वो इनका इंटीरियर का डिज़ाइन जो है वो ग्रोसरी मार्केट के ऊपर ही होता है, क्योंकि ग्रोसरी मार्केट में ही काफ़ी सुंदर इंटीरियर डिज़ाइन किया जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका होम अप्लायंसेस का काम होता है, जैसे कि आपने LG के शोरूम में देखा। यहाँ पे जो आप काउंटर डिज़ाइन देख पा रहे हैं ये भी जो है वो इन्हीं द्वारा निर्माण किया गया है। जो भी यहाँ पे आप रैक देख रहे हैं ये हर तरीके के रैक जो है यहीं से तैयार किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दीवार जानकारी से संतुष्ट हैं। कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सवालों का रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ प्यार देते रहे, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।